देश में पिछले 24 घंटे में 10,488 नए मामले सामने आए हैं, वहीं इस दौरान 12,329 मरीज ठीक हुए हैं। 24 घंटे में 313 लोगों की जान भी गई है। कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,65,662 पर पहुंच गई है। केंद्र और प्रत्यक्ष राज्य खरीद श्रेणी के माध्यम से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक कोविड 19 रोधी टीके की 129 करोड़ से अधिक खुराक प्रदान की जा चुकी है। राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के पास अभी कोविड 19 रोधी टीके की 21.65 करोड़ से अधिक खुराक उपलब्ध है, जिनका अभी इस्तेमाल नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई तेज कर दी और समीक्षा बैठक में सीएम योगी के निर्देश दिए हैं कि कोविड वैक्सीन की पहली डोज नहीं लेने वालों की लिस्ट तैयार की जाए। इसके साथ ही उन लोगों को भी लिस्ट तैयार की जाए जिनकी दूसरी टीकाकरण अवधि बीत चुकी है। सीएम योगी ने राज्य में कोविड वैक्सीनेशन के लिए चलाए जा रहे अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं। मुंबई में फिर कोरोना संक्रमण दस्तक दे रहा है। देश भर में भले ही इन दिनों कोरोना संक्रमण के नए मामले थोड़े कम आ रही हो, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। मुंबई के कुछ इलाकों से संक्रमण के नए केस लगातार सामने आने के बाद महानगर पालिका ने इलाके की 13 बिल्डिंग को सील कर दिया है। बिहार में कोरोना से बचाव के लिए 30 नवंबर तक सख्ती जारी रहेगी। सभी कामकाज पहले की तरह होंगे। आपदा प्रबंधक समूह की बैठक में फैसला हुआ। किसी स्थान, बाजार या प्रतिष्ठान में कोविड से जुड़े नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो जिला प्रशासन उसे बंद करा दे। जिला प्रशासन को अपने स्तर से भी प्रतिबंध लागू करने का अधिकार दिया गया है।